नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा के सभी 9 रूपों का विधिवत पूजन किए जाने की परंपरा है। नवरात्रि का 5वां दिन देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना का दिन होता है। देवी स्कंद माता को मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के नाम से पूजा जाता है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। आइए आज आपको देवी स्कंद माता की कथा पूजा अर्चना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हैं। कौन है देवी स्कंद माता? देवों के देव महादेव के सुपुत्र कुमार कार्तिकेय को भगवान स्कंद के नाम से भी पूजा जाता है। देवासुर संग्राम में कुमार कार्तिकेय ने देवताओं के सेनापति के तौर पर युद्ध का नेतृत्व किया था। पुराणों में कुमार कार्तिकेय को कुमार और शक्ति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। माता दुर्गा के इस स्वरूप को भगवान स्कंद की माता होने की वजह से ही स्कंद माता के तौर पर पूजा जाता है। सिंह पर सवार रहती है देवी स्कंद माता। सिंह पर सवार चार भुजाधारी देवी स्कंद माता आमतौर पर कमल के फूल के आसन पर विराजमान रहती हैं। चार भुजाओं वाली माता की एक भुजा वर मुद्रा के रूप में, दूसरी भुजा में कमल पुष्प, एक भुजा ऊपर की तरफ उठी हुई है जबकि एक भुजा नीचे की तरफ झुकी है। देवी स्कंद माता को पद्मासना देवी के नाम से भी पूजा जाता है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। साधक का मन समस्त सांसारिक माया के बंधनों से मुक्त होकर मां स्कंद माता के स्वरूप में लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना करनी चाहिए। मोक्ष प्रदान करती है देवी स्कंद माता। मां स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। भव सागर के दुखों से मुक्ति प्रदान कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी अपने आप ही हो जाती है। यह विशेषता केवल माता के पास ही है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण भक्त अलौकिक तेज से संपन्न हो जाता है। पंचमी के दिन माता की पूजा करके भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मण को दान स्वरूप देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। माँ की उपासना ऐसे करें। माँ दुर्गा की भक्ति पाने के लिए चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ: हे देवी माँ, सर्वत्र विराजमान और स्कंद माता के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे देवी माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। इस दिन भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी माँ दुर्गा के 5वें रूप माँ स्कंद माता के पूजन की विधि से जुड़ी जानकारी। ऐसी ही जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।